दिस इज हमजा फ्रॉम यूटेक प्रो। गाइस इस वीडियो में हमने बात करनी है हाइब्रिड गाड़ियों की हाइब्रिड बैटरीज के बारे में कि हाइब्रिड बैटरीज की लाइफ स्पैन कितना होता है, वो कितने हज़ार किलोमीटर या कितने लाख किलोमीटर या कितने लाख माइल्स चल सकती है और कितने लाख माइल्स के बाद वो रिप्लेसमेंट की हकदार होती है, उसकी रिप्लेसमेंट लाजमी हो जाती है, उसके बगैर गाड़ी कोई इतना ज़्यादा मज़ा नहीं देती। सो गाइस लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी फर्दर अटेम्प्ट डू। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के स्टैंडर्ड्स के बारे में। जो कंपनी के स्टैंडर्ड लाइफ स्पैन है फॉर हाइब्रिड बैटरीज, मींस अगर आपके पास टोयोटा एक्वा या टोयोटा प्रियस है तो आपकी बैटरी जो गाड़ी की हाइब्रिड बैटरी है वो 3 लाख माइल्स निकालनी चाहिए इन परफेक्ट कंडीशंस, प्रोवाइडेड दैट बैटरी ओवरहीट ना हो और बैटरी बहुत ज़्यादा कोल्ड भी ना हो। ठीक, इन तमाम अच्छी वेंटिलेशन में अगर बैटरी रहेगी तो इन परफेक्ट कंडीशन इट शुड लास्ट 3 लाख माइल्स विदाउट एनी प्रॉब्लम। मगर अगर मसला आएगा गाड़ी की बैटरी के अंदर तो वो इसी वजह से होगा कि गाड़ी की बैटरी ओवर हीट होगी या फिर गाड़ी की बैटरी बहुत सी ठंडी होगी और उसको कि अपने आप को पहले हीट अप करना पड़ेगा, तो इन मसलों की वजह से गाड़ी की बैटरी का लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। मगर जो गाड़ी की बैटरी एज कोटेड बाय टोयोटा है वो तकरीबन 3 लाख माइल्स है, 3 लाख माइल्स तकरीबन 4 लाख से ऊपर ही किलोमीटर बनते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा लाइफ स्पैन बनता है ये बैटरीज का और एवरेज गाड़ी की जो एवरेज गाड़ी का लाइफ स्पैन है वो भी तकरीबन 3 लाख माइल के करीब होता है, इससे ज़्यादा गाड़ी भी नहीं निकालती। So if you are going to buy a hybrid and you are worried about the batteries, then you don't have to worry because the lifespan of the batteries is plenty and it is enough to give you a great car experience. उसके अलावा जो हाइब्रिड गाड़ियों की मेंटेनेंस है वो भी सस्ती है बाकी गाड़ियों से, उसके अलावा उनका जो पेट्रोल का खर्चा है वो भी सबसे सस्ता है। सो इस लिहाज से हाइब्रिड गाड़ी द बेस्ट और यही फ्यूचर है गाड़ियों का, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। और अब तो लग्जरी सैलून्स में लग्जरी कार्स में भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ही एम्बेड होने लग पड़ी है। सो गाइस ये वो वीडियो थी जो मैं बनाना चाहता था ताकि आप लोगों को पता चले, जो लोग हाइब्रिड गाड़ी बाय करना चाहते हैं और वो इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि शायद हाइब्रिड बैटरी 1 या 2 साल निकालते उसके बाद रिप्लेसमेंट करानी पड़ती है बैटरी की। सो इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। और टोयोटा ने ये भी वो किया है, पोस्ट की थी कि जब से वो टोयोटा एक्वा बेच रहे हैं उनको तकरीबन 2 से 2500 मॉडल्स के 2 से 2500 यूनिट्स की सिर्फ बैटरी रिप्लेस करनी पड़ी थी, ज़्यादा बैटरी उनको रिप्लेस ही नहीं करनी पड़ी थी। और वो भी बैटरीज तकरीबन जिन गाड़ियों की उन्होंने रिप्लेस की थी वो भी तकरीबन 2,80,000 किलोमीटर या फिर 2.5 लाख माइल चली हुई थी, इस तरह की कंडीशंस वाली बैटरीज उनको चेंज करनी पड़ी थी और वो भी उन एरियाज में जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी और गाड़ी की वेंटिलेशन डक्ट्स ब्लॉक्ड हुई होती थी, इस तरह के मामले थे। मगर जो एवरेज गाड़ी की हाइब्रिड बैटरी है वो अच्छी लाइफ स्पैन देगी आपको और आपकी ज़िंदगी आसान रहेगी उसके साथ। सो गाइस दिस वाज इट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़।